भाई जब देश में पहली एमपीवी के बारे में बात होती थी तो मारुति सुजुकी ओमनी हम सबको नजर आती थी। ओमनी एक फैमिली कार भी थी, ओमनी एक कार्गो भी थी, मतलब अगर आपको कुछ भी भारी भरकम काम करना है तो ओमनी रखते थे। फिर ओमनी थोड़ी सी पुरानी होनी शुरू हुई तो एक अपग्रेड लेकर आया गया, वर्सा के नाम से मारुति सुजुकी लाई थी। वर्सा शायद आपको गाड़ी याद हो यार, अपने जमाने में वो बहुत ही कूल कार होती थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली। उसके बाद उसी की शक्ल सूरत में कम दाम के अंदर मारुति सुजुकी ने निकाली इको। अब इस गाड़ी का एक अपडेट मार्केट में आया है। 2010 में गाड़ी लॉन्च हुई थी, अभी तक 9,75,000 यूनिट इसके बिक चुके हैं और अब इसके अंदर एक अपग्रेड दिया गया है। इसको एक नया इंजन दिया गया है, के सीरीज का इंजन दिया गया है, जो मारुति की और भी गाड़ियों में आपने जरूर देखा होगा। आइए बताते हैं आपको कि पूरी तरह से क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे मारुति सुजुकी इको के अंदर। इको की बात करें तो इसके अंदर अब 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन आएगा, जो कि पहले 1.2 लीटर का जी सीरीज इंजन के साथ गाड़ी आया करती थी। इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सिलेरियो और एस्प्रेसो के अंदर दिया गया है, और एक इंजन इमोबिलाइजर भी ऐड किया गया है। और ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि आजकल एमिशन नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो इसलिए जी सीरीज इंजन को हटाकर वहां पर एक के सीरीज का इंजन लगाया गया है। 1.2 लीटर का के सीरीज डुअल जेट इंजन जो है आपको 81 एचपी की पावर देता है, 104.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी देता है। साथ ही साथ सीएनजी मोड में इसकी बात करें तो 72 एचपी की पावर आपको मिलेगी और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 19.71 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मारुति क्लेम करता है इको की। वहीं पर अगर आप बात करेंगे सीएनजी वेरिएंट की तो वहां पर आपको 26.78 किलोमीटर पर किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और जो इसका 2V वेरिएंट है जो फ्लीट्स को दिया जाता है, उसके अंदर अगर आप पेट्रोल पर गाड़ी चलाते हैं तो 20.20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको मिलती है, सीएनजी मोड पर 27.05 किलोग्राम पर किलोमीटर की एवरेज आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको एक नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देखने को मिलेगा जैसा कि हमने बताया, बिल्कुल एस्प्रेसो सिलेरियो वाला। एसी कंट्रोल्स जो हैं उनको भी एक नई रोटेटरी यूनिट दी गई है, स्लाइडिंग पहले आते थे स्लाइडिंग बटन्स, लेकिन अब रोटेटरी यूनिट उसके अंदर लगाई गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ब्लू एक्सटीरियर पेंट शेड भी दिखाई देंगे जो कि मेटालिक ब्रिस्क ब्लू के साथ रिप्लेस किए गए हैं। इसके अलावा इको कार्गो की बात करें तो वहां पर आपको 60 लीटर का एक्स्ट्रा कार्गो स्पेस देखने को मिलता है। तो कुछ इन बदलावों के साथ मारुति सुजुकी ने दोबारा से इको को मार्केट में पहुंचाया है और कहा है कि देखिए थोड़ा सा अपडेट किया है हमने इसको, थोड़ा सा ज्यादा जवान बनाया है, आप लोग खुले हाथों से स्वागत करिए। देखिए वैसे भी इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, मारुति अपग्रेड नहीं भी करता, इसको अपडेट नहीं भी करता, तब भी जिनको इको की जरूरत है उनको इको की जरूरत है, वो खरीदेंगे ही, क्योंकि टक्कर इसकी कोई है नहीं। एक रेनो की ट्राइबर है, लेकिन वो मैं उस गाड़ी को तो क्या कंपेयर करूं, अगर आप रेनो ब्रांड को मारुति के साथ कंपेयर कर लेंगे तो रेनो बहुत पीछे रह जाता है। जो लोग इन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों का जो इनका टारगेट ऑडियंस है या टारगेट कस्टमर है इको का, वो रिलायबल ब्रांड पे भरोसा करता है। वो एक ऐसे ब्रांड पे भरोसा करता है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा आसान हो, क्योंकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में इसे कंपैरिजन किसी से करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक इको खरीदने का प्लान बनाए तो आपके पास एक अपग्रेडेड इको का ऑप्शन जरूर है, जिसके अंदर थोड़े से एकदम चुटकी भर मॉडर्न फीचर जरूर डाले गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। बाकी टेक्नोलॉजी और ऑटो की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।